नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बैठक आज प्रदेश कार्यालय में हो रही है, जिसमें सभी जिलों से महिलाओं को बुलाया गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आपको बता दें, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। गांव चलो अभियान में बहनों की प्रमुख भूमिका रहेगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम जितना बीजेपी की सरकार ने किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया, इसलिए बहनें सरकार के कार्य और विकास दोनों से खुश हैं। बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नया विकसित भारत बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है। आज एनजीओ और स्व सहायता समूहों को जोड़ने वाले शक्ति वंदन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। महिला मोर्चा की आज बैठक है, जिले तक की बहनों को बुलाया है। और भारतीय जनता पार्टी में हर मोर्चों की अलग अलग बैठक, ये तो हमारी रीति है, हमारी रीति नीति में शामिल है। तो आज हमने जिले तक की बहनों को बुलाया है, एक प्रादेशिक कार्यशाला है। अब आने वाले लोकसभा के चुनाव में नीचे तक बहनें जाएंगी, संगठन के विस्तार के साथ, योजनाओं के साथ लोगों से जनसंपर्क करेंगी और जनहित में काम करने की प्रेरणा देंगी। गाँव चलो अभियान में भी बहनों की भूमिकाएं हैं, उसके साथ वो 24 घंटे का समय ही देंगी नीचे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो या मध्य प्रदेश की, जितनी योजनाएं बनाई हैं उनमें बहनों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई है। महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाकर जितना आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, किसी और अन्य सरकार ने नहीं किया है। तो बहनें बहुत खुश भी है सरकार के कार्य से भी और विकास से भी। तो महिला मोर्चा की बहन को, संगठन को नीचे तक भेजने का काम उसी के लिए आज की बैठक है। अब देखिए कि देश भर में आज जो वातावरण है वो महिलाओं को बहुत अच्छा सामने लाकर, उनके लिए योजना बनाकर, उनको बहुत नए नए अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप में अपनी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम भी किया है और वो चाहती भी है कि मध्य प्रदेश और उसी के साथ साथ पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के MP चुनकर आए। और अभी भी हमने इस विधानसभा चुनाव में भी देखा है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत साथ दिया है। हमें विश्वास है कि आगे चल के भी हम सभी की सभी यहाँ की जो MP की जो सीट है वो हम जीत कर लेकर आएंगे।